सामान्यतः हमारे सेवंथ रूम का जो आपको समझा, इसमें रिमेडीज में आपको दे रहा हूं कि अगर सामान्यतः पति और पत्नी के आपस के संबंध बराबर नहीं है, है ना, स्पेशली फर में पत्नी को लेता हूं, पत्नी को ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड मेरी सुनता, बात नहीं करता। अगर घर में कोई बच्ची है जिसकी शादी नहीं हो रही, जिसके लिए दोनों चिंतित हैं, उसके लिए आप एक काम करें, आपका कोई भी शादी का पुराना गठजोड़, पहला शुरुआत, गठजोड़ मिले तो बहुत अच्छी बात, गठजोड़ नहीं मिले तो कोई भी आपके शादी के वक्त आपने जो पहना गया जेवर हो या कोई कपड़ा हो उसको बाहर निकालें, और एक सुपारी में थोड़े चावल पीले कर उसको उस साड़ी में, उस कपड़े में, उस बॉक्स में रख दें फॉर 21 डेज, और उसके बाद आप देखें जो भी समस्या से निमित्त आपने रखा है। अगर स्पेशली ये ज्यादा वक्त तो बच्चों की शादी के लिए करता है कि अगर आपने अपने शादी के वक्त की चीजों में अपने बच्चे के करी तो एक्टिवेट उसका भी आप सेवंथ रूम एक्टिवेट करोगे, नंबर 1। और अगर बाय चांस आपके पास गठजोड़ है तो गठजोड़ लेकर ही आप अपने पूजा पाठ में बैठे हैं, या कभी नहीं है गठजोड़ आपके पास जिसमें फेरे लिए थे तो कोई एक कपड़ा ले ले परमानेंट की, उसको हमेशा ही उसको लेकर ही बैठे। यस, हो सकता है अभी अपने पास नहीं हो, आप लोगों के पास नहीं हो कपड़ा, तो वो कपड़ा आप एक एक अच्छा कपड़ा कोई भी चूज करना, कहीं कोई कलर कोई भी हो, लाल कलर हो तो बुरी अच्छी बात, और वो हमेशा आप आखिरी सांस तक उसी को यूज करें ताकि वो ऊर्जा उसमें रहे। हर चीज में ऊर्जा मौजूद है, हर चीज का अपने आप में कोरा है, वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, आप देखोगे कि आप आपका ओरा भी रहता है, आपके पीछे जो भगवान का बनाते हैं वो ओरा आपकी बॉडी का भी ओरा है, क्लीन फोटोग्राफी से हम देख सकते हैं, लेकिन एक नॉन लिविंग थिंग का भी एक ओरा होता है, तो हर वस्तु में ओरा होता है। हर वो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ जूता चप्पल जो यूज नहीं कर रहे हो आप बाहर निकालो, दवाइयां जो मैंने स्पेशली कहा आप लोगों को कि अगर बाय चांस आप दवाइयां यूज नहीं कर रहे हैं उसको आप बाहर करो जो एक्सपायर हो गई हो। यस, और एक चीज और ऐड करी इन्होंने, इसके लिए मैं इसको ओवरलुक करना चाहूंगा सिद्धार्थ ने, कि अगर हस्बैंड वाइफ वाइफ का 12th हाउस। का टेल दो तो उसका 6 आउट टेक योर सिंपल, ये ठीक होगा, लेकिन हस्बैंड मैं कर दबाओ तो ईगो वीगो छोड़ देना, आप सुनना बीमारी को दूर करना, वेरी गुड, आई एम अप्रिशिएट सिद्धार्थ। बासु आप ठीक, एग्री हो सर? बासु एग्री हो? यस यस गुरु जी, आई मीन यस। हाँ गीता, यस आई एम इट। यस 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 वाओ, यस। नाउ टुडे वन मोर पर्सन ज्वाइन। एक चीज बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलो गुरु जी। वन चीज आई वांट टू टेल दैट दो द 8th हाउस इज नॉट कवर्ड बट द व्हाट आई वांट टू से दैट थर्ड हाउस इज द फर्स्ट कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड। 8th हाउस इज द डेथ। फर्स्ट हाउस यू आर कमिंग टू दिस वर्ल्ड एंड 7th हाउस यू आर गोइंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड। 7th हाउस आल्सो सिग्निफाइज दैट। So tomorrow is your day, you just say about tomorrow more, you know, about it, then a connecting date, okay? And 8th and 9th Geeta ji and 10th Siddharth on Tuesday, right? Siddharth, no. Haan, Kanchan ji, bole aap. गुरु जी, अभी आपने जो ये बताया ये कपड़े का, उससे आपने पहले तो कहा कर नारियल डालना, फिर अभी आपने बोला सुपारी। क्योंकि क्या होता है बेटा, नारियल तो रखना बहुत ही अच्छी बात है, ये आपको मैं करा चुका हूँ आपके यहाँ, और नारियल की जगह क्या हो रहा है, नारियल को रखना उसमें टाइम लगता है, बड़ी चीज रहती है घर में, अलमारी रहती है, तो नानक की नारियल भी आप उसकी जगह सुपारी भी रख सकते हैं। अच्छा, नारियल नारियल या तो सुपारी, वो कब लाइक वो क्या, मैं जब चार्ज करता हूँ ना तब मैं वो नारियल देता हूँ, तो बड़े आपको सुपारी के रूप में गणेश जी और रखकर आपके साथ करें। अच्छा गुरु, 21 डेज के बाद क्या करना चाहिए फिर, उसको खोल के और फिर 21 डेज के बाद? नहीं, 21 डेज से रखे ना, आप फील दैट इज इट एनी प्रोडक्टिव इज इन द रिलेशन। शायद कंचन जी आप है ना लाइव एग्जांपल, आपको किया था ना मैंने? हाँ जी हाँ, वे और मीरा मीरा से भी करवाया था आपने? हाँ, मीरा से भी करवाया था। तो ये उपयोग अपने आप बनते हैं, थॉट में आते हैं, तो आप अगर 21 दिन तो मेरे मुंह से निकल गया लेकिन आपके अंदर रखा भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं ना गुरु जी। हाउ मेनी सुपारिस? वन। अंकल जी ये लड़के की शादी के लिए भी कर सकते हैं, लड़के की शादी के लिए भी कर सकते हैं ऐसा? लड़के के लिए शादी के लिए देखो, लेकिन बहन नहीं कर रही, मुझे मालूम है। व्हाट व्हाट यू आर गोइंग टू आस्क, यू आर कंसर्न अबाउट योर ब्रदर, बट व्हाट आई नो
बट इट्स यूजफुल फॉर योर मदर बिकॉज इन द केस हम लड़की को भेजना चाह रहे हैं घर से बाहर और हम हमारे घर में बहू लाना चाह रहे हैं, उसके लिए कुछ अलग रिमेडी होगी, आप समझे ना। यू वॉन्ट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गर्ल मैरिज एंड सन मैरिज। गर्ल मैरिज वी वॉन्ट टू रिलीज द डॉटर एंड हियर वी हैव टू एक्टिवेट द फर्स्ट होम, सेकंड रूम में इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं उनको, तो वो सेकंड रूम से भी कनेक्टेड होगी तो उसका अलग होगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और एनीबॉडी? ओह माय गॉड, जया यू आर लेट टुडे, यू जस्ट सी द रिकॉर्डिंग, ओके, ब्लेसिंग्स। सो जस्ट वी आर गोइंग टू कॉन्क्लूड अवर सेशन अलोंग विद द रिमेडीज और उपाय, मैं वापस आपसे कह दिया, ये उपाय बता भी दिया आपको मैंने। और एक बात ध्यान रखें, सुपारी को और पीले चावल को पीले करके रखें और परिवर्तन देखें, 21 दिन से ज्यादा भी दिन हो जाए, अगर आपको याद है 21 दिन है तो एक बार निकाल कर, अगर आपका व्यक्तिगत कोई मैटर है तो यू जस्ट गिव मी अ कॉल एंड आई हील दैट एंड यू पुट अप अगेन। क्लियर? ओके, सो टुमारो इज अलॉटेड बासुजी, तो बासुजी ऑल्सो एड्रेस अबाउट द एट रूम, और हम आपके उपाय की बात भी करेंगे और याद की बात करेंगे। ओके, सो आज थोड़ा सा टाइम लग गया, ज्यादा हम ध्यान तो कम ही कर पाएंगे, लेकिन अब 5 मिनट तो हम आए तो आंखें बंद करें।